हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सुपर आर्टेक्स में। मैं हूं पवन पाल और आज लाया हूं आपके लिए एक नई स्पेशल वीडियो। पिछले वीडियो में हमने जाना था सोवियत प्रणाली और उसकी विशेषताओं के बारे में, और आज हम जानेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारणों को। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, और साथ के साथ विद्या के इस मंदिर में सब्सक्राइब आइकन के बगल में लगे घंटे को भी बजा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। अगर बात करें सोवियत संघ के विघटन के कारण की, तो इसके एक दो नहीं बल्कि कई कारण हैं जिनको हम एक एक करके समझ सकते हैं। पहला कारण है जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति ना हो पाना। स्टूडेंट्स, बात यह है कि जब सोवियत संघ की स्थापना हुई थी तब उसमें बहुत सारे ऐसे राज्य भी शामिल हुए थे जो पहले जार शासकों के अधीन थे, और उस वक्त उनका जीवन बड़ा ही कष्टदायक होता था। उन्हें भोजन जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। लेकिन जब ये राज्य सोवियत संघ में शामिल हुए तब सोवियत संघ के नागरिक बन गए। इसके बाद इनका आर्थिक जीवन विकसित हुआ, मगर जितने सुधार होने चाहिए थे उतने सुधार नहीं हुए, जिससे जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति ना हो सकी और नागरिकों में असंतोष फैलता चला गया। बात करते हैं दूसरे कारण की, तो सोवियत संघ में एक दलीय व्यवस्था का होना। स्टूडेंट, सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के विपक्ष में किसी अन्य दलों को मंजूरी नहीं थी। इसके साथ साथ वहाँ के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी भी नहीं थी। रूस सत्ता का केंद्र बन गया था, जिसे देखकर अन्य गणराज्यों की जनता अपने को दमित यानी कि दबे हुए और शोषित महसूस करती थी। अब बात करते हैं तीसरे कारण की, ये है आर्थिक संसाधनों का गलत उपयोग। सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड होने पर सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। ऐसे में उसे एक और महाशक्ति अमेरिका से कॉम्पिटिशन करना पड़ा, जिसके चलते दोनों देशों में हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी। अब ऐसे में अमेरिका, जो कि बहुत ही संपन्न देश था, वो तो इजीली आगे बढ़ता गया, लेकिन सोवियत संघ को अपने देश के संसाधनों को इस कॉम्पिटिशन में लगा देने के कारण आम जनता के विकास का रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से जनता में रोष उमड़ता गया। इसके साथ साथ सोवियत संघ ने अपने पिछलग्गू छोटे देशों के विकास पर भी बहुत अधिक खर्च किया, जिससे वे अपने देश के नागरिकों की जीवनचर्या पर ध्यान ना दे सका। अब बात करते हैं चौथे कारण की, चौथा कारण है भ्रष्टाचार। 1917 की बोलशोई क्रांति के बाद लगभग 72 साल तक सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और अधिकारियों ने राज किया। ऐसे में अकेले दल होने के कारण तथा लोकतंत्र के अभाव के चलते सत्ताधारी भ्रष्ट हो गए, क्योंकि वहां पर इन अधिकारियों का निरंकुश राज था तथा जनता के प्रति कोई जवाबदेही ना होने के कारण इन लोगों ने अपने जीवन स्तर को बहुत ऊंचा उठा रखा था। पार्टी के सदस्य आम नागरिकों से ज्यादा सुख सुविधाओं का उपभोग करने लगे थे, जो जनता में क्रोध फूटने का सबसे बड़ा कारण बना। बात करते हैं पांचवें कारण की, तो यूएसएसआर के गणराज्यों में सौहार्द और समरसता की कमी। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है कि ऐसी अवस्था जब सोवियत संघ के कुछ बड़े रूसी गणराज्य जैसे यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया और बाल्टिक देशों जिनमें लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया जैसे संघीय निवासियों को सदैव यही लगता था कि उनके संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा पिछड़े गणराज्यों पर खर्च हो जाता है, जिसके कारण उनकी उतनी प्रगति नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए थी। बात करते हैं छठे कारण की, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। हुआ ये था कि सोवियत संघ के नेता ब्रेजनेव के समय अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने सैनिक हस्तक्षेप करके अपने आप को फंसा लिया, जिससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, और फिर बाद में गोर्बाचेव को वारसा पैक्ट के सदस्यों से गुट से निकलने की बात बोलनी पड़ी, जो कि बहुत बड़ा कारण था सोवियत संघ के विघटन होने के लिए। अब बात करते हैं सातवें कारण की, जो है गोर्बाचेव की सुधार नीतियां। स्टूडेंट्स, हुआ ये था कि 1985 के वक्त यूएसएसआर के नए नेता मिखाइल गोर्बाचेव बने थे। जब वो आए तो उन्होंने यूएसएसआर की बिगड़ी दशा को सुधारने के लिए कुछ सुधार नीतियां लागू की, जिनमें दो प्रमुख हैं, पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरिस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना यानी कि दोबारा से बनाना, तथा ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन। अब जैसे ही गोर्बाचेव ने इन दो सुधारों को लागू किया,
वैसे ही कुछ दिनों में इसका असर सोवियत संघ पर उल्टा दिखाई देने लगा। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इस पर CBSE एक स्पेशल क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछ लेती है। अगर आप लोगों को जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे 7 ऐसे कारण जिनकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इन बताए गए हेडिंग्स के आधार पर अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर देना होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।